दोनों फर्टिलाइजर मैंने इसको आप उसमें मिला लिया है, इसको देना कैसे है ये इस तरीके से आप इसमें थोड़ा सा गड्ढा कर लें, 3 टीस्पून डालना है और तीन ही गड्ढे इसके तीन साइड में। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, 4-5 रोज से बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी और हमारे जो अडेनियम के गमले थे वो सारे के सारे सूख रहे थे बिल्कुल। कल हम पानी देने को भी सोच रहे थे लेकिन एकदम से बादल से आने लगे और धूप ख़त्म हो गई, और तो हमने फिर पानी डालना अच्छा नहीं समझा कि, और मैं समझ गया कि शायद बारिश होने वाली है। तो साथियों, कल रात 6 बजे से जो बारिश शुरू हुई है वो लगभग 2-2.5 बजे तक बारिश हुई, और इतनी बारिश अभी तक हमारे यहाँ सीजन में नहीं हुई है। पहली बार ही इतनी बारिश पड़ी है और सारे अडेनियम जो हैं वो उनके लीव्स खिल गए हैं, और देखिए कितनी बेहतरीन किस्म की इनकी ग्रोथ शुरू हो गई है। बड़ी शाइनिंग आ गई है इन लीव्स के ऊपर, और कोडेस भी काफ़ी अच्छे और ख़ूबसूरत हो गए हैं इनके, और बहुत तेज़ी से ये देखिए कोडेस इनके फूल रहे हैं। ये जो ग्रीन आपको ये फटे फटे से दिख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन अंदर से दिखाई दे रहा है, ये इसकी पहचान है कि कोडेस हमारा बढ़ रहा है। तो साथियों, आज हम इन अपने अडेनियम के अंदर जो है कुछ फर्टिलाइज़र देंगे, और फर्टिलाइज़र भी इनको बहुत, इनका जो पसंदीदा फर्टिलाइज़र है वही इनके अंदर हम आज डालेंगे, क्योंकि इस टाइम मौसम बहुत अच्छा है और बारिशें भी अच्छी हो रही हैं। तो अगर इनको जो फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है वो अगर इनको मिल जाता है तो इनके अंदर ऐसी जान पड़ेगी, इनके कोडेस भी और ज़्यादा तेज़ी के साथ मोटे होंगे और हमारे अडेनियम जो हैं बहुत हेल्दी हो जाएंगे, और जो आने वाला टाइम है फ्लावरिंग का उसके लिए इस फर्टिलाइज़र की बड़ी सहायता मिलेगी। भाई यह है कि इसके अंदर इस टाइम पे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र कोई ना डालें, जिसकी वजह से हमारे जो जो ब्रांचें हैं वो काफ़ी लेगी हो जाएंगी और अडेनियम फूल भी कम देता है। जब लीव्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, ब्रांचें लंबी हो जाती हैं और इस तरीके से ब्रांचें ये देखिए गिरने लगती हैं, तो ये देखो पतली पतली ब्रांचें हैं और लंबी हो गई हैं तो ये इधर उधर गिरने लगी हैं, तो ये हो जाता है। इस वजह से नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ना ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है। अब ऐसी ब्रांचें लगभग चल जाती हैं, जैसे कि अब इतनी मोटी ब्रांच होनी चाहिए, तो ये ब्रांचें खड़ी भी रहती हैं और इनमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है, लेकिन इस टाइप की ब्रांचें अडेनियम के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये देखिए अब ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, और अभी पूरा 1 महीना है इसकी ग्रोथ का, और ये 1 महीने में कहाँ पहुँचेगी ब्रांचें। बहुत तेज़ी के साथ ये ब्रांचें बढ़ रही हैं, लेकिन अभी ये ब्रांचें तो हेल्दी हैं थोड़ी, इसलिए ये कम गिरेंगी, और इस तरीके की ब्रांचें देखो ये गिरने लगती हैं, ये जो पतली ब्रांचें हैं ये गिरने लगती हैं। तो इनकी या तो इनके लीव्स निकालने पड़ेंगे या इनको प्रून करना पड़ेगा, नहीं तो ये है देखने में अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके की ब्रांचें जब हो जाती हैं तो गमला देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और फ्लावरिंग भी बहुत कम आती है। अच्छा, जब बारिश होती है तो उसके पानी का भी काफ़ी लोड होता है। ये देखिए बिल्कुल सीधी ब्रांच थी, अब ये इधर को गिरने लगी है, तो इसको हमें अब सीधा करके बांधना पड़ेगा, और ये भी बिल्कुल खड़ी ब्रांचें थी इसकी, ये इस तरीके से गिरने लगी हैं। इनके ऊपर ऊपर से जो लोड पड़ता है बारिश की बूंद का, और प्लस बारिश का जो वजन हो जाता है, उसकी वजह से ये ब्रांचें गिरने लगती हैं, तो इनको हमें अभी सीधा करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही होके रह जाएंगी। तो साथियों, आज हम इनके अंदर जो फर्टिलाइज़र देंगे वो इनका बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा फर्टिलाइज़र है, उससे इनके रूट भी बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे और इनकी जो कोडेस हैं वो भी मोटे होंगे, और फ्लावरिंग के लिए भी बहुत ही लाजवाब फर्टिलाइज़र है। तो हम साथियों दो फर्टिलाइज़र मिक्स करके ही इनके अंदर डालेंगे, और दोनों फर्टिलाइज़र इनके लिए लाजवाब हैं, तो उन दोनों को ही आप उसमें हम मिला देंगे और वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। और किस तरीके से डालते हैं तो साथियों चलते हैं और अपने फर्टिलाइज़र देखते हैं कि किस तरीके का फर्टिलाइज़र और हम किस तरीके से डालेंगे इसके अंदर। तो साथियों, ये वो प्लांट है जिनके अंदर हम फर्टिलाइज़र देकर और आप लोगों को दिखाएंगे, बाकी देना तो सारे प्लांटों के अंदर है। और ये देखिए बेहतरीन किस्म की हमारी ये प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं, और जो फर्टिलाइज़र हमने अब देने जा रहे हैं यही फर्टिलाइज़र हमने इसको करीब 1.5 महीना पहले दिया था
जब थोड़ी सी गर्मी हल्की सी ख़त्म हुई और पहली बारिश जब हुई थी जब मैंने इसके अंदर दिया था, करीब 10-12 दिन पहले हमने इसके अंदर DAP डाली थी और वो DAP का भी अब टाइम निकल गया है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमने 4-4 दाने ही DAP के डाले थे और उस वजह से इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है और इनके कोडेस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है और काफ़ी अच्छे कोडेस इनके हो गए हैं। ये तो बहुत ही पतला था, लगभग ये 2 साल का हो गया है हमारे पास, हम बहुत छोटा सा लाए थे इसको और पिछली साल इसके अंदर फ्लावरिंग आई थी। लेकिन ये यहाँ से देखिए, यहाँ से ग्राफ्ट है, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ से ग्राफ्ट है और ये पूरी सिंगल ब्रांच इसकी ऊपर तक गई हुई है। तो जब ये सिंगल जा रही थी तो मैंने ऊपर से काफ़ी ऊपर जाकर मैंने इसको प्रून किया तो ऊपर तो ब्रांचें निकल आई और प्लस हमने इसके अंदर ह्यूमिक एसिड जब डाली तो इसके अंदर देखिए कितनी ढेर सी ब्रांचें और पूरी ब्रांच में से इसकी ब्रांचें निकलने लगी हैं, ये देखिए, और काफ़ी घना हो गया, कितनी ज़्यादा ब्रांचें ह्यूमिक एसिड ने इसके अंदर निकाली हैं। क्योंकि जब मैंने इसके अंदर प्रून करा था तब मैंने इसके अंदर ह्यूमिक एसिड और बोन मील डाली थी। तो साथियों ये है बोन मील जिसको आज हम इसके अंदर फिर डालेंगे दोबारा से और ये लगभग 1.5 महीना हो चुका है बोन मील डाले हुए, तो आज हम फिर इसके अंदर बोन मील डालेंगे। और साथियों दूसरी खाद और आपको दिखाते हैं, ये है ह्यूमिक एसिड, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। अब आपने इन दोनों खादों का नतीजा देखा है कि दोनों प्लांटों के अंदर हमारे कितनी ज़्यादा ब्रांचें हैं और कितने बुशी प्लांट हैं, ये देखिए नीचे से ऊपर तक ब्रांचें ही ब्रांचें निकल के और आ गया है। ये बहुत ही कम उम्र का अभी ये प्लांट है, टोटल ये प्लांट मुश्किल से 3 साल का होगा, हमारे पास इसको 2 साल का हो गया है, हो गए हैं। और मैंने इसको जब ह्यूमिक एसिड डाली तो इसकी ये साइटों से भी ये ब्रांचें नीचे से भी निकलने लगी क्योंकि इसकी यहाँ से ग्राफ्ट है और ग्राफ्ट के ऊपर से ये सारी ब्रांचें इसकी ये देखिए इस तरीके से निकलने लगी। हम चाह रहे थे कि उसकी ऊपर जाकर ही बने गुच्छा और ब्रांचों का और ऊपर ही जाके फ्लावरिंग आए, लेकिन जब नीचे से ये निकलने लगी ब्रांचें तो मैंने फिर इसको निकाला नहीं कि हैं तो ये सब ग्राफ्टेड के ऊपर की ही। तो साथियों इस तरीके से हम इनके अंदर आज फिर ये फर्टिलाइज़र देंगे और इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है इनको फर्टिलाइज़र देना क्योंकि बारिश के पानी से सारी सॉइल धुल जाती है और सब इनके डोनी झोल से फर्टिलाइज़र निकल जाता है क्योंकि बारिश भी हमारे यहाँ लगभग 8 घंटे पड़ी है मुस्तकिल और ये कहो हमारी मीडिया बहुत वेल ड्रेन है इसलिए इसमें पानी जो है वो ठहरता नहीं है। तो ऐसे टाइम पर अब गमला भी ज़्यादा गीला है तो इसकी गुड़ाई भी नहीं कर सकते हैं, तो किस तरीके से खाद देंगे वो हम आपको अभी दिखाते हैं कि ये फर्टिलाइज़र दोनों को मिलाकर हम किस तरीके से इसके अंदर डालेंगे। तो साथियों ये जो ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड और बोन मील दोनों को आप उसमें इस तरीके से मिक्स कर देंगे, ये इस तरीके से मिक्स करके और इसको अच्छी तरीके से चला लें। इसको मिला लें इसके अंदर और 2-2, 3-3 चम्मच हर प्लांट के अंदर डालना है क्योंकि हमने इसलिए ज़्यादा बनाई है कि काफ़ी प्लांटों में हो जाएगी ये और तो बचेगी तो नहीं खैर क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट है हमारे पास और कल को दूसरी बना लेंगे और दूसरे प्लांटों में डाल देंगे। तो चलिए हैं अपने प्लांटों में किस तरीके से देना है इसको वो आपके साथ। साथियों दोनों फर्टिलाइज़र मैंने इसको आपस में मिला लिया है, बोन मील और ह्यूमिक एसिड, ये दोनों फर्टिलाइज़र इसको हमने मिला लिया है। अब इसको देना कैसे है, ये इस तरीके से आप इसमें थोड़ा सा गड्ढा कर लें, करीब 2 इंच के करीब गड्ढा कर लें और इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ऐसे करके भर दें, भर के और ये मिट्टी को इससे ढक दें। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये करें तो 3 टीस्पून डालना है और 3 ही गड्ढे इसके 3 साइड में करने हैं। ये देखिए और इसको यहाँ पर ढक दें, मिट्टी गीली है नहीं तो गुड़ाई करके चारों साइड डाल के और इसकी गुड़ाई कर देते और फिर इसमें पानी डाल देते, लेकिन मिट्टी गीली है इसलिए इस तरीके से देनी पड़ रही है इसकी ये खाद। और ये भी वैसे ही करेगी, जब ये बारिश होगी तो ये धीरे धीरे प्लांट में घुल के और पहुंच जाएगी और प्लांट में जोर लगाती रहेगी। तो इस तरीके से भर के और इसको ढक दें
अब इसी तरीके से इस प्लांट में भी करना है, 2-3 इंच का गड्ढा करके और उसके अंदर ये बोन मील आप अच्छी खासी टीस्पून भर के और इसके अंदर डाल दें और ऊपर से इस मिट्टी से ढक दें। बिल्कुल पोर्ट से लगाकर डालें इसको, जड़ों की साइड में ना हो, कोटे से थोड़ा दूर रहे तब इसको डालें। अब ये यहीं से पूरे प्लांट में जोर लगाती रहेगी। ये देखिए अब इसके बाद में क्या करना है साथियों, अब ये बाकी जो बची हुई है ये और प्लांटों में डाल देंगे और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम दो ही प्लांटों में डाल के आप लोगों को दिखा रहा हूं। अब इसके बाद में क्या करना है कि ये है साथियों फंगीसाइड, ये फंगीसाइड साफ फंगीसाइड मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब और थोड़ा थोड़ा इन प्लांटों में इस तरीके से चारों साइड अच्छी तरीके से डाल दें ताकि ये बारिश हो तो ये घुल के और नीचे तक पहुंच जाए और हमारे प्लांट को किसी किस्म की फंगस ना लगे। क्योंकि बोन मील भी जब गीली होती है ना तो इससे भी फंगस लग सकती है, क्योंकि ये हड्डी का चूरा होता है और इस वजह से इसमें भी फंगस लग जाती है। ये ह्यूमिक एसिड तो एंटी फंगल होती है लेकिन जो बोन मील है ये इसमें फंगस लग जाती है, जब ये गीली होती है तो इसमें कीड़ा पैदा हो जाता है। तो इस वजह से ह्यूमिक एसिड की कोई परवाह नहीं है, लेकिन परवाह जो है हमें बोन मील की है। बोन मील की वजह से इसके अंदर इस टाइम पर आप फंगिसाइड का डालना बहुत जरूरी समझे इसको, और ये जब बारिश होगी तो ये घुल के और नीचे रूट तक पहुंच जाएगी। इस तरीके से हमारा प्लांट जो है वो सेफ हो जाएगा और फिर इसके अंदर अब जो फूल आएंगे वो इतने फूल आएंगे कि देखते ही बनेगा, आपका भर भर के फूल आएंगे, प्लांट बहुत बुशी होगा, बहुत हेल्दी होगा। इस तरीके से आप अपने एडेनियम को फर्टिलाइजर दें और देने के बाद में फिर उसकी फ्लावरिंग देखें कि कैसा हमें फर्टिलाइजर बताया है और क्या इसने रिजल्ट निकाला है। तो आप इसकी फ्लावरिंग देख के आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि कितना बेहतरीन ये फर्टिलाइजर है जो हमने अपने एडेनियम को आज दिया है, और आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो आप खुद इसको इसकी तारीफ करोगे कि हाँ कितना बेहतरीन फर्टिलाइजर बताया है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।